सीबीएसई टर्म टू का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास टेंथ मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रखे हैं टॉपिक वाइज चैप्टर, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, उसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। सो बट आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है ax2 + bx + c = 0, जहाँ पर a का मान कभी जीरो नहीं होता। अगर इस चीज़ को हम जीरो कर देंगे, अगर a की वैल्यू आप जीरो ले लोगे तो जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा, तो ये चीज़ वैनिश हो जाएगी, फिर ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, फिर ये लीनियर हो जाएगा। इसीलिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़रूरी है कि a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो a b c होते हैं बेटा वो आपके रियल नंबर्स होते हैं। इस पर भी आपके MCQs या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बच्चों, वो तीन टाइप के होते हैं, तीन मेथड है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर आता है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके सिलेबस में पहला और तीसरा है, दूसरा वाला नहीं है। और मोस्टली क्या होता है कि दूसरा वाला बहुत CBSE में ना के बराबर पूछा जाता है, ठीक है, तो हम उसी हिसाब से चलेंगे। और कुछ फार्मूले हैं जो बेटा आपको पहले से ही पता होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, और माइनस होने पे बस माइनस लग जाता है यहाँ पर, और a² - b² a + b, ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जिसका हमें यूज़ करना होगा। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखते हैं बेटा कौन सा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमसे बोल रहा है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x² कैंसिल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, ना 2 से कम हो ना 2 से ज़्यादा हो, एग्जैक्टली 2 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर x की, तभी जाके वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सो एक बार अगर हम चेक करें, ठीक है, इस लास्ट वाले को सॉल्व करके देखते हैं, सो हमें क्या मिलता है, देखो लास्ट वाले को करते हैं, ये तो चलो इधर ऐसे के ऐसे ही हैं, ये है a - b³। तो क्या होता है बेटा, a³ - b³, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, 3ab, देखो आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ नहीं तो आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। सो ये होते हैं a³ - b³ - 3ab a - b, ठीक है। सो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो मैं लिख रहा हूँ 3a के प्लेस पे यहाँ पर एक्स और बी के प्लेस पे 1 है, ठीक है। सो a³ b³ 3, ए के प्लस पे एक्स और बी के प्लस पे 1 होगा, तो ना लिखो कोई बात नहीं, फिर ए माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाई करो अंदर। सो x³ - q1, 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा 3x² और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के 3x, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, ये x³ से x³ कट जाएगा और बाकी सबको उठा के उस तरफ ला जाऊँ या उठा के इस तरफ ले आऊँ, यहाँ पर माइनस के x² है, ये माइनस का बन जाएगा कि प्लस का, ये भी प्लस का और ये माइनस का हो गया, ठीक है। सो देखो 3x² में x² माइनस करेंगे तो 2x² - 3x + 1 = 0। सो यहाँ पर x की जो मैक्सिमम डिग्री है कितनी है बेटा, डिग्री कितनी है x की मैक्सिमम, 2 है, यहाँ देखो 2 है। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, यही हमसे पूछा था, आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ 1/2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, अगर ये बेसिकली 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले MCQs कर रहे हैं फिर धीरे धीरे बड़े और की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर 1/2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है तो k की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों, अगर कोई 1/2 इसका रूट है ना, तो इस इक्वेशन को वो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे 1/2 रख देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे तो k/2 आ गया, जो नेगेटिव का था इधर आके पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, 5/4, और यहाँ हो जाएगा 1/4, LCM भी 4 आ जाएगा, जब नीचे सेम होते हैं ऊपर वैसे का वैसे आ जाते हैं, 4/4 विच इज़ 1। सो k/2 = 1, सो 2 1 2, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो बच्चों एक बार दोबारा ज़रूर देखें। फिर हमसे बोल रहे हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ सम ऑफ इट्स रूट्स एज 3। तो सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा अगर दो रूट्स हैं, सम करना है तो फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, सो चेक करना है कि कौन सा आ रहा है। ठीक है, 3 आना चाहिए आपका। सो देखो दूसरे वाले पे चेक करते हैं, माइनस बी, बी के प्लेस पे कितना है बेटा 3, और ए के प्लेस पे कितना है माइनस के 1। सो माइनस माइनस के अंदर 3 अपॉन 1 3 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉजिटिव रूट्स निकालना है आपको इसका। ठीक है, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है पहले। यहाँ पर रूट दिख रहा है आपको, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। इधर से जब स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x² + 6 981। ठीक है, प्लस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6। सो 81 में से ये आ जाएगा 75, है ना। 3x² 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 3 × 2 = 6। ठीक है, 3 × 2 = 6 हो गया, 3×5 = 15। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5। लेकिन जो आंसर होगा, आपसे पॉजिटिव रूट्स पूछा है ओनली, तो पॉजिटिव रूट तो सिर्फ प्लस का 5 है, माइनस का 5 नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रखा है पॉजिटिव रूट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। सो बेटा जब आप रियल रूट्स आपसे बोलेगा, ठीक है, फॉर रियल रूट्स, रियल रूट्स के केस में क्या होता है ना, कि जो डी की वैल्यू होती है वो 0 या 0 से ग्रेटर होती है, यानी कि b² - k4ac की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होती है। ठीक है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, b² - 4ac। ओके, हियर अगर देखेंगे, हियर ए के प्लेस पे क्या है बच्चों, 3 है, बी के प्लेस पे माइनस का k रूट 3 है, एंड सी के प्लेस पे क्या है बच्चों, 4 है। ओके, सो पुट इट हियर, बी की वैल्यू क्या थी बेटा हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास थी माइनस का k रूट 3, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, 4। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 4×16 = 48। ठीक है, सो नेगेटिव के इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव को दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 3 = 18 × 3 = 18। सो k की वैल्यू जो आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी बेटा, प्लस माइनस 4 आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट्स फाइंड करना है। अब रूट्स फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स भी हैं और आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है, तो मैं दोनों से करवा देता हूँ, आपको जो बेस्ट लगे आप एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले वाले पे आ जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स क्या हो पाएगा, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 150 आए और ऐड करें तो 10√6। ठीक है, ऐड करें तो 10√6 ये आना चाहिए, चेक करो 150, तो दो से डिवाइड करो, 2 × 7 = 14 × 2 = 10, फिर किससे कटेगा ये, 3 से, 3 × 2 = 6 3×5 = 15 5×25 = 5। सो आपको जोड़ने पे 10√6 चाहिए, 10√6 है ना, 10√6 आ जाए, रूट 6। सो ऐसा तो कुछ पॉसिबल दिख नहीं रहा है अपन को, है ना। तो 5√3
और एडिशन करोगे तो सेम टाइप के होना चाहिए। सो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो जब बेटा फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो, ठीक है, जब आपका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कौन सा मेथड। अगर आपसे जिस मेथड से बोला जाए आप तो वैसा मेथड लगाओ, ठीक है, अगर आपको वरना जो भी लगा सकते हो आप, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो देखो यहाँ पर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला ही बेस्ट है, ठीक है। सो हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स के लिए क्या हो जाएगा, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन के टू ए, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो माइनस बी के प्लेस पे क्या है, माइनस के टेन रूट सिक्स प्लस माइनस, फिर क्या है बेटा फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के टेन रूट सिक्स इसका स्क्वायर फोर ए एंड फिर है यहाँ पर सी अपॉन में कितना है टू ए, टू इंटू फिफ्टीन। सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टेन रूट सिक्स, सॉल्व करोगे तो यहाँ से रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स और यहाँ से दस, सौ सौ इंटू सिक्स सिक्स हंड्रेड आ जाएगा। माइनस देखो यहाँ पर पंद्रह चौके साठ, अरे भाई साहब ये तो पूरा ज़ीरो हो जा रहा है ना, फोर ए सी, ठीक है, पंद्रह चौके साठ ये सिक्स हंड्रेड, कोई दिक्कत नहीं, पंद्रह दुनी तीस। सो देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा टेन रूट सिक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस ज़ीरो, तो देखो दोनों रूट्स वही आएंगे क्योंकि ज़ीरो का और ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो प्लस करो या माइनस करो अल्टीमेटली वही रहता है कटा, ठीक है। सो ऊपर रूट सिक्स अपॉन थ्री ये ट्वाइस आ जाएगा, दो बार आंसर, ठीक है, प्लस करोगे माइनस करोगे दोनों टाइम में यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर एक्स, आपको इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। सो जैसे हम पेपर में पहले क्वेश्चन कर रहे हैं ना वैसे ही करना है, जैसे अभी किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सो देखो अगर यहाँ पे देखें, हियर ए के प्लस पे फोर है, बी के प्लस पे माइनस के फोर ए स्क्वायर है एंड सी के प्लस पे ये है, ओके बच्चों। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अप्लाइंग लिख दो, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या होती है, सूत्र माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी अपॉन का टू ए, ओके। सो बच्चों यहाँ पे वैल्यू पुट अप करो, माइनस के बी, बी क्या है माइनस के फोर ए स्क्वायर प्लस माइनस, फिर क्या है बी स्क्वायर फोर ए, ए के प्लस पे फोर और सी के प्लस पे यह है अपॉन का टू ए, ओके। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस माइनस, सो देखो यहाँ से आ जाएगा सिक्सटीन ए की पावर फोर और यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस फोर फोर सिक्सटीन ए की पावर फोर माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन बी की पावर फोर और यहाँ से आठ चार दुनी आठ आ जाएगा। सो ऊपर आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, देखो ये प्लस माइनस कैंसिल, सिक्सटीन का स्क्वायर रूट फोर बी की पावर का आ जाएगा टू अपॉन में एट, ठीक है। फोर ऊपर से कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चार दुनी, तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई टू, एक बार प्लस मिलोगे एक बार माइनस मिलोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बेटा क्या होगा, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो बेटा अगर स्क्वायर्स बोल रहे हैं डिफरेंस की बात कर रहा है तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा ऑब्वियसली, तो हम स्क्वायर बनाएंगे,
क्या बन गया, ये स्क्वायर बनाना है, ये छोटा स्क्वायर है और एक बड़ा स्क्वायर है, ठीक है बेटा। सो हम मान लेते हैं कि पहले वाले स्क्वायर की जो साइड है वो ए है और दूसरे वाले की बी है, ठीक है। ओके, सम ऑफ देयर एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 460 मीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फर्स्ट कंडीशन लिख सकते हो, एरियाज ऑफ टू स्क्वायर यानी कि पहले वाले का, क्योंकि इस साइड इंटू साइड होता है, दोनों का स्क्वायर का जब ऐड करेंगे तो 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। बाकी चीज़ें तो अपने अवे में लिख ही सकते हो, एग्जाम में कैसे लिखना है। तो इसका जो पैरामीटर है वो 4b और इसका जो पैरामीटर है वो 4 है, डिफरेंस, क्योंकि बड़े में से छोटे माइनस होगा वो कितना है 24, 4 कॉमन, क्योंकि टर्म टू में सिंपल जो आपकी प्रॉब्लम है, सिंपल जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो आएंगे, क्योंकि सैम्पल पेपर आपने देख रहा है, ठीक है। ऑफिशियल 4×6=24, सो बी माइनस ए इक्वल्स टू 6, सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 6+a, ठीक है, वो आप यहाँ रख दो, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसकी वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख देनी है। सो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी की वैल्यू क्या है 6+a, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ है 468, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ओके बच्चों, सो ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विच इज़ 2a² प्लस का 12a प्लस 36 और ये आ जाएगा इधर के माइनस का, सो 2a² प्लस 12a माइनस 2 बचेगा 3, 232, 2 से 2 दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर 6a, 2 × 1=2, 2×1=2, 2×6=12। हमने यहाँ तक सही किया है कि नहीं, कहीं तो गड़बड़ लग रहा है मुझे, 2a² माइनस के 432। देखो यहाँ पर 4 आएगा ना, मैंने 2 लिख दिया, देखो तो नज़र हटी दुर्घटना घटी होते हैं हमेशा, देखो बेटा रीचेक ज़रूर करना है, गलती किसी से भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है ना, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि हमेशा क्वेश्चन को करते वक्त रीचेक ज़रूर करना है। सो यहाँ से 432, ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो, अब सही होगा, 2×6=2, 2×2=2, हाँ ये सही हो गया। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो 216 आए और माइनस करें तो 6, और तो वो दो नंबर कौन कौन से है बेटा, 18 और 12, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लोगे तो मिल जाएगा, तो 18a माइनस के 12a, ठीक है, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से दूसरा पेयर, यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, a प्लस 18 और यहाँ से 12 कॉमन आ जाएगा, जो दो बार है उसे एक बार लिखते हैं फैक्टराइजेशन में, और जिसे आपने कॉमन निकाला उसे दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है बच्चों। इफ ए प्लस 18 इज इक्वल टू 0, प्लस का 18 इधर के माइनस का 18 होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल, साइड कभी माइनस में नहीं होती। अगेन इफ ए माइनस 12 इज इक्वल टू 0, सो ए की वैल्यू आ जाएगी 12, ये आपका आंसर है, यानी कि जो छोटा वाला साइड है वो 12 होगा, देयरफॉर बी क्या हो जाएगा फ्रॉम सेकेंड, बी हमारे पास है 6+a, सो जो बड़ा वाला साइड होगा वो 18 होगा, ठीक है 18 मीटर। तो ये आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं इफ एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ पे जो ए और बी है इसकी वैल्यू पता करो। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट्स होते हैं वो आपको गिवन है, तो इससे आप पॉलीनोमियल बना सकते हो, और वही पॉलीनोमियल यही चीज़ है, तो इससे जो पॉलीनोमियल बनेगा और ये जो पॉलीनोमियल है वो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिर हम कंपैरिजन करके आंसर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो देखो बेटा क्या होगा, गिवन क्या है,
अल्फा आपके पास 2/3 है एंड बीटा आपके पास -3 है, ठीक है। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये होता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के प्लस पर 2/3 है, ठीक, एंड बीटा के प्लस पर कितना है बच्चों, -3 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे अल्फा 2/3 माइनस बीटा -3, 3 × 3। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर 3 × 9, 2 में से 9 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/9, 7/3 एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 2 × 2, ठीक है। ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ये सेम चीज़ को प्रेजेंट कर रही है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर कंपेयर करो। सो देखो बेटा, 7/3 प्लस के 7x है ना, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 7 तो आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, ये अपॉन में 3 डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ठीक है, 3 ले लो। सो यहाँ से आ जाएगा 3x² प्लस 7x, 3 × 6 अपॉन में 3 इधर आके 0, ठीक है। ये आपका पहला इक्वेशन है। अब कंपैरिजन करो, सो ए के प्लस पे कितना आ जाएगा, 3। देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, ठीक है, और बी के प्लस पे क्या आ जाएगा, -6 आ गया आपका आंसर। कंपैरिजन कर दिया, आपको आंसर मिल गया, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ की फॉर विच द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपको पता है इक्वल रूट्स की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है 0 के इक्वल। अगर देखें यहाँ पर तो ए के प्लस पे कितना है 2, बी के प्लस पे है की एंड सी के प्लस पे हम प्लस का 8। सो वैल्यू पुट अप कर दो यहाँ पर, के स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 8, ठीक है। सो ये नेगेटिव का उधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 × 2 × 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। सो के की वैल्यू हो जाएगी +-8, आंसर स्क्वायर रूट निकाल दोगे ना, सो 8 आ जाएगा +-। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ये है क्वाड्रेटिक, ये सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में टफ लग रहा होगा। सो देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, x-3 2x+3। सो एलसीएम आ जाएगा x-3 2x+3, और इधर क्या है बेटा, 0 है, ओके। इससे जब हम डिवाइड करेंगे, ये कटम ये बचा, सो 2 × 2x+3 प्लस, इससे जब डिवाइड करेंगे ये कटेगा ये बचा, सो 1 × x-3। इससे जब डिवाइड करेंगे पूरा कट नीचे कट जाएगा, सिर्फ एक बार गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x+9, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो देखो बेटा, 4x 3x 7x और एक 8x है ना, 8x और प्लस 6 और 9 15 15 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, क्लियर, यही तो आएगा, या कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, हाँ गड़बड़ तो कर दिया है, देखो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, नहीं। सो देखो बेटा यहाँ चीज़ तो ये आ गई, ठीक है। सो देखो
ठीक है, इधर ज़ीरो हो जाएगा, सो 8x इक्वल टू 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12/8, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, कह रहे 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द अदर 2/60, फाइंड द नंबर्स। सो ये सिंपल वर्ड्स प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो द जो कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर्स आर, नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला नंबर हो जाएगा बेटा एक्स, दूसरा होगा एक्स प्लस वन एंड तीसरा होगा एक्स प्लस टू, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बीच वाले का जो स्क्वायर है, बीच वाले नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो दो नंबर बच रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इनका डिफरेंस 60 ज़्यादा है। देखो यहाँ यही तो बोल रहा है, द कंसेक्यूटिव नेचुरल सच दैट स्क्वायर ऑफ द मिडिल टर्म नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द अदर 2 नंबर बाई 60, ठीक है, सो एक्सीड द डिफरेंस, डिफरेंस ये बड़ा है, एक्स प्लस टू कितना बड़ा है, 60 बड़ा है, यही बोल रहा है, तो यही लिखना है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो इसको सॉल्व करते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, सो इससे ये कटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये प्लस का 4x माइनस का हो जाएगा 64, प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस की 2x एंड माइनस की 63, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया एक। अब आपको इसको किसी भी मर्जी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे दो नंबर लेने जिनके मल्टीप्लाई करें तो 63 आए और माइनस करें तो 2, 9 7 सर 63 और 9 में से 7 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। ओके, नंबर्स मिल गए हमें। सो बच्चों हम ऐसे इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, यहाँ से एक पे स्पेयर से एक्स कॉमन और स्पेयर से 7 कॉमन, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन निकाला वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है, एक बार इसको जीरो लेंगे, एक बार इसको जीरो लेंगे, इफ़ एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 0 तो माइनस के 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 9, एंड इफ एक्स, देखो इसको जीरो लोगे तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो ये माइनस का 7 नेचुरल नंबर्स नहीं होता है, नेचुरल नंबर प्लस का 9 है, तो नंबर ये हो जाएगा 9, इसमें 10 और दूसरा हो जाएगा 11, 3 कंसेक्यूटिव 9 10 11 होगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम में सिंपल सिंपल जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तभी मैंने यहाँ लिखा है। कह रहे 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ अ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, ट्वाइस ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू माउंटेन्स एंड रिमेनिंग 15 कैमल्स वेयर सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स, ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनाना है। सो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितने हैं, एक्स हैं, ये आप लेट कर लोगे, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या बोला है, 1/4 ऑफ जो कैमल है वो देखा गया है फॉरेस्ट में, ठीक है, और फिर क्या बोला, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड ऑफ, जितने भी कैमल्स हैं उनका ट्वाइस का स्क्वायर रूट, ठीक है, एंड अब जो बच गए हैं 15 वो कहाँ देखे गए हैं, कहीं रिवर के पास देखे गए हैं, तो इन सब का जब टोटल करोगे तो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैमल्स कितना है, एक्स है, तो ये इतने यहाँ देखे गए, इतने यहाँ देखे गए, इतने यहाँ देखे गए, इन सब का जब टोटल करेंगे तो वो इसके बराबर आएगा,
अब इसको सॉल्व करो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, है ना। सो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, अब 4 × 8 रूट एक्स, 15 × 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा प्लस का 4x, इधर के माइनस का 4 उधर ले जाओ सबको, तो ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 3x माइनस का 8 रूट एक्स माइनस का 60, ठीक है। ये चीज आ गई, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। देखो लेट, अगर मैं रूट एक्स को वाई लेट कर लेता हूँ, सो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्स को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 3y² 8y माइनस के 60 इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 180 आए और घटाएं तो 8 आए, माइनस करें तो गुणा करने पे 180 आए, तो 18 और 10 है ना, 18 और 10, सो यहाँ से नंबर्स आ जाएंगे 18y माइनस के 8y, ठीक है। सो 3y² माइनस के 18y प्लस के 8y माइनस के 60, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, इस पेयर से 3y कॉमन, 3 × 18, ठीक है। यहाँ से 8 कॉमन, तो सिक्सटी रहेगा, 8 क्यों लिख दिया, यहाँ तो 10 होगा ना, 8 क्यों लिखा मैंने, 10 होगा बेटा, तभी मैं कह रहा हूँ आंसर्स क्यों नहीं आ रहा, 10 है यहाँ पर, ठीक है। सो 10y बचेगा 6, क्योंकि ये चीज़ सेम आनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो दो बार है वो एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन निकाला उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको 0 मानेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, और इसको जब 0 मानेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 10/3, विच इज़ अम्पॉसिबल, जो रूट्स नहीं देगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ रख दो, वाई की वैल्यू यहाँ रख दो, है ना। सो रूट एक्स इक्वल टू 6 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सो एक्स की वैल्यू 36 आ जाएगी। सो जो टोटल कैमल है वो कितने हैं, 36 हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इट टेक्स 3 आवर्स टू कम्प्लीट द टोटल जर्नी, वट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ठीक है। वट इज़ द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, ये आपसे पूछा है, तो बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सो बेटा, आपको पता है जो एवरेज स्पीड है ना, उसको हम मान लेते हैं कितना है कि एवरेज स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर क्यों मानेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमें किलोमीटर में दे रखे हैं और टाइम हमें आवर्स में दे रखे हैं, तो जो आप स्पीड मानोगे वो इसी में ही मानना पड़ेगा, इसी मेजरमेंट में, किलोमीटर पर आवर, ओके, कुछ और मत मान लेना। सो यू नो तो टाइम इज़ टू वर्क क्या होता है, टाइम इज़ टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। देखो मैं एकदम ये गिवन है ये है वैसे नहीं लिखा रहा हूँ, जैसे एग्ज़ाम में फटाफट जो चीज़ें आपने पूरे साल भर पढ़ रखा है ना, तो उसी हिसाब से मैं चीज़ों को सॉल्व करवा रहा हूँ। दो टाइमिंग है हमारे पास, दो टाइमिंग का टोटल टाइमिंग कितना है, 3 आवर दे रखे हैं। पहले वाले में क्या है, डिस्टेंस 63 और जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड है एक्स। दूसरे वाले में जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है और जो स्पीड है वो पहले के कंपेरिजन में 6 किलोमीटर मोर देन, मतलब 6 किलोमीटर मोर है। तो ये जो चीज़ है, अब इसको सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तुम्हें और इसको तुम सॉल्व कर लेना, तो ये 63x प्लस ये, इससे इसकी मल्टीप्लाई करोगे 72x, ठीक है, पौन, तो ये आ जाएगा 63x, 63 × 6 प्लस 72x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 6 3 3 2 5
सात और छः 13 प्लस 6 3 18 ऐसे लगा, 1 6 6 36 और 1 37 378 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x² 6 3 18 ठीक है। अब 3x² है प्लस के 18x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है 3x², सो 15 में से 8 घटाएंगे 7, ठीक है, और 12 में से एक बचेगा, 2 में से गया 117 एक्स, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 378। सो क्या 3 से डिवाइड होगा? हाँ 3 से डिवाइड होगा, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दूँ, x² 3 3 9 3 9 27 3 1 3 3 2 6 3 6 18। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप सॉल्व करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा, इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, इसको ज़रा आप खुद सॉल्व करके बताओ कि आपका आंसर कितना आ रहा है। अब डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट से ही नेचर डिसाइड होता है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax² + bx + c = 0, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इज नोन एज योर डिस्क्रिमिनेंट, है कि नहीं। अगर देखो बेटा b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, प्लस में आती है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है और दोनों के दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रियल रूट्स होते हैं और दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होते हैं। अगर नेगेटिव आता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव आता है d की वैल्यू, तो नो रियल रूट्स, आपकी क्लास 10th में के हिसाब से कोई रूट्स नहीं निकलता, आप रूट्स नहीं निकाल पाओगे, ओके बेटा। तो ये 3 चीज़ें और इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो बेसिक्स क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पहले कह रहे हैं वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन लगानी है बेटा आपको। इक्वल रूट्स में के लिए क्या होता है बेटा, b² - 4ac = 0, या फिर माइनस के 4ac इधर के प्लस का 4ac हो जाएगा। देखो बेटा a के प्लस पे कितना है 2, b के प्लस पे माइनस का की, एंड c के प्लस पे भी है की, ओके रखते हैं b के प्लस पे क्या है बेटा माइनस का की, 4 a के प्लस पे है 2 एंड c के प्लस पे है की, तो k² इधर से है 4 2 8 के, एक पावर कम हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 8। तो आपसे बोल रहा है 8 ओनली या फिर 0 8। सो ऐसे करोगे तो आंसर तो तुम्हें लग रहा है कि भैया 8 है, नहीं क्वांटिटी है k² तो k की 2 वैल्यू आएगी, सो बी स्मार्ट, ऐसे करना है, ठीक है। सो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, यहाँ से k - 8 आएगा, k को 0 रखोगे 1 0 आएगा, इसको 0 रखोगे k - 8 को, तो यहाँ से -8 आके इधर +8 हो जाएगा। सो बट आपका जो 2 आंसर आएगा वो 1 0 आएगा और दूसरा 8 आएगा, ये आंसर सही होगा, ये नहीं, ठीक है। सो स्मार्ट तरीके से देखना है, फटाफट जल्दबाजी में गलत मत करके आ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स किस किसका आएगा, जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देगा, यानी कि पॉजिटिव का देगा, जो डी की वैल्यू पॉजिटिव देगा वो आपका आंसर होगा। सो देखो जो सिंपल वाले पहले उनको सॉल्व करो, सो डी की वैल्यू माइनस के, देखो b² होता है माइनस के 4ac, देखो a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस के 5, तो 1 का स्क्वायर 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 और 1 5 20, ये आ गया 21। सो पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया यानी कि ये डिस्टिंक देगा ये वाला। सो मेरी नज़र ये 4 ऑप्शन सिर्फ थी, लेकिन मेरी नज़र सबसे पहले सिंपल वाले पे ही गई, क्यों, क्योंकि तुम्हें ऐसे तुम कोई भगवान तो हो नहीं जो देखते ही बता दोगे, तुम्हें हर ऑप्शन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो तरीका क्या है कि डिफरेंट वाले में ना जाकर पहले जो सिंपल दिख रहा है ना उसी पे हाथ मारो, तो मैंने इसी पे हाथ मार दिया, ठीक है, और केफे के चक्कर पे मत जाओ जहाँ केफे लिखा हुआ है। तो मैंने सिंपल वाले को किया, उसके बाद मैं इस वाले को करता हूँ, फिर इस वाले को करता हूँ, ठीक है, ये बाई लक मेरा ये चल गया। तो यही चीज़ आपको सोच समझ के करनी है एग्ज़ाम में, हर 1 सेकंड कीमती है।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसा है, इसका नेचर पूछ रहा है आपसे। तो डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। बी कितना है? माइनस के रूट फाइव। ए कितना है? टू। और सी कितना है? प्लस के वन। सो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और रूट यहाँ से हट जाएगा और चार दुनी आठ, तो ये नेगेटिव आ गया बेटा। और नेगेटिव होने पर नो रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि नहीं? कह रहे हैं इफ, अगला क्वेश्चन है इफ टू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एंड द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। तो ये जो क्यू है उसका पता करना है। सो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पर के की वैल्यू पता नहीं है, यहाँ से आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्या बोल रखा है? हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है, दोनों कंडीशन में इक्वल रूट्स बोला है। सो बेटा अगर इस ये जो टू है इसका रूट्स हैं तो एक्स के प्लेस पर टू रखने पर इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा ना सेटिस्फाई। सो देखो यहाँ से फोर और यहाँ से टू के, यार मेरा दिमाग ना ऑलरेडी पहले कैलकुलेशन में लग जाता है। सो टू के ये बारह और चार सोलह, प्लस के सोलह इधर के माइनस के सोलह, टू एट जा। सो के की वैल्यू क्या आ गया? माइनस के एट। अब ये के तुम यहाँ पर पुट अप करोगे, ठीक है, ये भी इक्वल रूट्स के लिए बोल रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी होता है। बी के प्लेस में क्या है बेटा? यहाँ पर एक्स होगा, के की वैल्यू तो रख दी ना हमने, ठीक है, तो बी के प्लेस पर यहाँ पर माइनस के आठ है स्क्वायर फोर। ए के प्लेस पर क्या है बेटा? एक्स का कोएफिशिएंट वन है एंड सी के प्लेस पर क्यू है। तो अठे अठे चौंसठ, ये फोर वन जा फोर प्लस का के माइनस का हो जाएगा क्यू। टू टू जा टू थ्री जा टू टू जा, सो दो एक कम दो चंग बारह, तो आंसर आ जाएगा क्यू की कितना? सोलह आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कैन दे फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है, इफ़ इट इज़ रियल देन फाइंड इट, ठीक है। सो देखो बेटा, सबसे पहले चेक करेंगे डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। बी कितना है? ये चीज़ है फोर। ए कितना है? थ्री है। सी कितना है? फोर है। सो देखो बेटा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चक्कू सोलह इंटू थ्री हो जाएगा, और ये भी है सोलह इंटू थ्री। सो आंसर आ जाएगा डी, डी आपका आ गया ज़ीरो। सिंस डी इज इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर रूट्स रियल होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, है ना। डी ज़ीरो होने पर इक्वल होता है, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अब देखो बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, जब भी ये चीज़ आप कैलकुलेट करो ना तो बेस्ट होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? सूत्र माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी अपॉन टू ए। बी कितना है बेटा? ये बी है हमारा, देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तुमने अभी कैलकुलेट किया है, कितना आया था? ज़ीरो। ए की वैल्यू कितनी है? थ्री। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ज़ीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? ज़ीरो होता है, सिक्स। और किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करो या माइनस करो वही रहता है। टू टू ज़ा टू थ्री ज़ा, सही आंसर आ जाएगा टू रूट थ्री अपॉन थ्री, ट्वाइस, दो बार आएगा क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बेटा, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों मैंने पहले ही करा रखे हैं, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखे हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे इन तीनों क्वेश्चन की, जिनको हमने ऑलरेडी करा रखा है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है फोर मार्क्स में, बड़े मार्क्स में, है ना, तो इनको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, ठीक है, इसकी एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे इन सभी क्वेश्चंस की, ठीक है, उनको ज़रूर देख लेना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी, अगर ऐसा है तो बेटा वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और टर्म टू के वीडियोज़ की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर देखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, गारंटी देता हूँ वहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस फंसेंगे आपके एग्जाम में।